नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका रोज पोस्ट स्किल्स में। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस मोबाइल ऐप से आप चाहे तो घर बैठे दिल्ली के सभी अस्पतालों की जानकारी ले सकते हैं कि दिल्ली के किस हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए कितना बेड खाली है। इस एप्लीकेशन का फायदा ये है कि आपको दिल्ली में इधर उधर अस्पताल ढूंढने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और आप चाहें तो अपने घर बैठे ही हॉस्पिटल में पता कर सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में इतना बेड खाली है, जो कि आपके लिए बहुत आसान होगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम दिया है। इस एप्लीकेशन को आप चाहें तो गूगल के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है और इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। दिल्ली सरकार के इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करना है दिल्ली कोरोना। आपके सामने जो सबसे पहला ऑप्शन ओपन होकर आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ से इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल होने के बाद आप इस ऐप को ओपन कर लीजिए। ये देख सकते हैं आप, ये दिल्ली सरकार का ऐप है। यहाँ देखेंगे आप तो आपको यहाँ दिखेगा कि दिल्ली में टोटल बेड कितने हैं और कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और अभी कितने खाली हैं। यहाँ देखिए, दिल्ली में अभी 6731 बेड टोटल हैं, उसमें से 2819 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 3912 बेड अभी भी खाली हैं। यहाँ पे अगर आप COVID-19 बेड्स पे क्लिक करते हैं तो दिल्ली में जितने भी हॉस्पिटल हैं तो उन हॉस्पिटल में जितने भी बेड अवेलेबल हैं उनकी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ दिल्ली में हॉस्पिटल का नाम दिखेगा, यहाँ पे लास्ट अपडेट दिखेगा कि कब अपडेट हुआ था, ये दिखेगा टोटल बेडों की संख्या और यहाँ ऑक्यूपाइड कितने हो चुके हैं और कितने खाली हैं। लोकनायक हॉस्पिटल में 2 तारीख को 10 बजे अपडेट हुआ है ये, जिसमें टोटल 2000 बेड हैं, जिसमें से 871 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 1129 खाली हैं। तो इसी तरह से दिल्ली में अवेलेबल सारे हॉस्पिटल का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। आप चाहें तो इनमें से हॉस्पिटल चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में कितना बेड खाली है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि दिल्ली में टोटल कितने वेंटिलेटर हैं और कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और कितने खाली हैं। इनका डिटेल में जानकारी के लिए आपको COVID-19 वेंटिलेटर्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि किस हॉस्पिटल में टोटल कितने वेंटिलेटर हैं और कितने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और कितने खाली हैं। तो यहाँ से आपको दिल्ली में अवेलेबल वेंटिलेटर का संख्या मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लोकनायक हॉस्पिटल में 64 टोटल वेंटिलेटर हैं, जिसमें 47 ऑक्यूपाइड हो चुके हैं और 17 वैकेंट हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से ये पता कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, तो आप उसका वीडियो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन में आपको दिखेगा दिल्ली कोविड अपडेट। सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि पूरे इंडिया में कोरोना वायरस के कितने केस हैं और कितने रिकवर्ड हो चुके हैं और कितनों की मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ से आप दिल्ली का कोविड अपडेट देख सकते हैं कि दिल्ली में टोटल मरीजों की संख्या कितनी है, कितने रिकवर हो चुके हैं और कितनों की डेथ हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली में अभी तक कोरोना वायरस के टोटल कितने टेस्ट कंडक्ट हुए थे और कितने टेस्ट आज हुए हैं। यहाँ से आपको आज का मिलेगा और अपडेट यहाँ पे टोटल अपडेट मिलेगा। यहाँ से आप चाहें तो दिल्ली गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर से आप चैट भी कर सकते हैं और यहाँ से और अधिक जानकारी ले सकते हैं। यहाँ कोरोना इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करके यहाँ से कोविड हेल्थ सर्विस का पता लगा सकते हैं, यहाँ से कंटेनमेंट जोन का पता लगा सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो खुद का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी ले सकते हैं। और यहाँ से दिल्ली के CM द्वारा कोई भी ऑर्डर अगर जारी होता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से कंटेनमेंट जोन का लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो आप अभी चाहें तो इस एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इसका लिंक मैं अपने वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।